नमस्कार सलाम, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल और मेरे साथ हैं मेरे साथी रविशंकर। चुनाव का मौसम एक बार फिर लौट आया है आपका अपना कार्यक्रम चुनाव चक्र, जिसमें हम बात करते हैं जमीनी हकीकत की, उस हकीकत की जिसे आमतौर पर राजनीतिक दल आपके सामने नहीं लाते। अपने घोषणा पत्र में वो वादे तो बहुत करते हैं, जिसे वो वचन पत्र या मैनिफेस्टो कहते हैं, लेकिन उसे जमीन पर कम ही उतारते हैं। तो चुनाव चक्र में हम इन सब जमीनी हकीकत की, जनता की परेशानियों की, उनकी समस्याओं की, उनकी मांगों की पड़ताल करेंगे। तो इस बार का चुनाव चक्र कैसे आगे बढ़ेगा ये बताएंगे रवि। तो मुकुल जी, इस चुनाव चक्र में हम बात करेंगे उन मजदूरों की, किसानों की, छात्रों की, बेरोजगारों की और पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोगों की, जिनका मत लेकर सरकारें तो बन जाती हैं लेकिन उनके अधिकारों को कागजों और भाषणों तक ही समेट कर रख दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं चुनाव चक्र और बात करते हैं हिमाचल और गुजरात के चुनाव की। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल के चुनाव घोषित हो चुके हैं, यहां 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही इस ठंडे प्रदेश का मौसम गर्मा चुका है। सभी राजनीतिक दलों की सक्रियता ने यहां तापमान काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, लेकिन हिमाचल की जनता किसे अपनी सराखों पर बिठाएगी और किसे बिठाती आई है, एक रिपोर्ट देखिए। हिमाचल की पहाड़ियां पिछले 3 दशकों से यही सोचकर हर 5 साल पर सरकार बदल रही हैं कि इस बार तो कोई हमें भीतर से देखेगा, हमारा हाल जानेगा, हमारे विकास के लिए भागीदार होगा। लेकिन वोटों की गिनती खत्म होते ही झूठे वादों का जबरदस्त स्क्रिप्ट लेकर आए नेता अपने अपने घर लौट जाते हैं। हिमाचल और हिमाचलियों के हाथ कुछ आता है तो महज राजनीतिक धोखा। खैर, उत्तर प्रदेश में 37 सालों का इतिहास दोहराकर भाजपा का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। यही कारण है कि चुनावों से पहले ही पार्टी हिमाचल में जीत का दावा ठोक रही है, जो फिलहाल भाजपा के लिए इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि यहां भाजपा को कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी से भी टक्कर मिलने वाली है, जो पंजाब जीतने के बाद खुद को देश का सबसे बड़ा विपक्ष बताने लगी है। हालांकि इतिहास को देखते हुए कांग्रेस ने भी अपने मोहरे सेट कर दिए हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि भाजपा से पहले वो सत्ता में थी। पिछले कुछ सालों में भाजपा और कांग्रेस को बारी बारी से हिमाचल की जनता ने कितनी सीटों पर जिताया है देखते हैं। विधानसभा चुनाव 2017 की बात करें तो भाजपा को 44 सीट मिली थी, कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी, सीपीएम के खाते में 1 सीट आई थी और अन्य को 2 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं 2012 विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने 26 सीटें जीती थी, कांग्रेस के हाथ 36 सीट लगी थी, HLP ने 1 और अन्य के खाते में 5 सीटें आई थी। विधानसभा चुनाव 2007 की बात करें तो भाजपा ने 41 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 23, BSP ने 1 और अन्य ने 3 सीटें जीती थी। विधानसभा चुनाव 2003 की बात करें तो भाजपा के खाते में 16, कांग्रेस के खाते में 43, HVC के खाते में 1, LJNSP के खाते में 1, LMHP के खाते में 1 और अन्य के खाते में 11 सीटें आई थी। सत्ता के इसी बदलते क्रम को भाजपा और कांग्रेस अपने अपने मुफीद सेट करना चाहती है, जिसमें फिलहाल भाजपा का पलड़ा ज़्यादा भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि मौजूदा वक्त में सरकार उनकी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी हिमाचल प्रदेश से आते हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव 2019 में भी भाजपा के हाथ सभी 4 सीटें लगी थी। हालांकि इस बार सियासी समीकरण बदले हैं और चुनाव 2 ध्रुवी होने के बजाय त्रिकोणीय बनता नजर आ रहा है। ऐसे में देखना है कि सत्ता की जंग कौन जीत पाता है। न्यूज क्लिक की रिपोर्ट। तो मुकुल जी, देखा आपने कि इस बार यहाँ पर हिमाचल की सीटों का गणित क्या था पिछली बार और क्या रहने वाला है इस बार। जैसा कि हिमाचल की बात है तो हर बार सरकार बदल जाती है, इसके पीछे बहुत कारण भी हैं, क्योंकि सरकारें जो वादे लेकर के आती हैं वो वादे ज़मीन पर आते नहीं हैं। जो वादे भाषणों में बोले जाते हैं वो भाषणों तक ही सीमित रह जाते हैं। तो इसके पीछे दरअसल आप मोटा माटी कारण क्या देखते हैं?
देखिए मोटा मोटी तो पहले जैसे मैं बताऊं कि यहाँ एक चलता है, क्रम से चलती हैं सरकारें, नंबर एक बार इसकी बारी एक बार उसकी बारी। इस बार इसलिए बीजेपी इस बात से डरी हुई भी है क्योंकि वो बीजेपी शासन में है और उसे लग रहा है कि अगली बारी, और कांग्रेस को भी लग रहा है कि अगली बारी हमारी है। तो उन्होंने नारा भी दिया है कि राज नहीं रिवाज बदलो जी। लेकिन राजनीतिक दल शायद ये समझ नहीं पाते कि जनता सरकारों को क्यों बदल रही है या राजनीतिक दलों को क्यों बदल रही है। उसमें ऐसा कोई उसे शौक नहीं कि एक बार इसे और एक बार उसे। दरअसल क्या है कि हालात नहीं बदल रहे। वो हालात बदलने की छटपटाहट, वो समस्याएं दूर करने की चाहत, वो बेरोजगारी, वो गरीबी, उन सब पर अंततः सरकार बनने से पहले बातें होती हैं चुनाव में, पर सरकार बनने के बाद वो उस तरह से काम नहीं होता। तो क्या होता है कि फिर वो 5 साल वो देखते हैं और वो फिर उसे बदल देते हैं, जो उन पर ऑप्शन है, जो उपलब्ध उन पर विकल्प होता है। तो वो एक बार उन्होंने यही किया, छोटे राज्यों में खासतौर से इस तरह का एक पैटर्न चलता है, जैसे उत्तराखंड में देखा। लेकिन यहीं उत्तराखंड में जो हुआ उसे कांग्रेस को तो सतर्क हो जाना चाहिए। इस बार उत्तराखंड में भी उसने सोचा कि इस बार मेरी बारी है, और ऐसी बारी आई कि वो फिर जमीन पर। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस ये सोच रही है कि पिछली बार सरकार में हम ही थे और इस बार क्योंकि वो पैटर्न रहा है एक, तो फिर से हमारी सरकार आएगी। लेकिन कांग्रेस को सतर्क, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसलिए भी हो जाना चाहिए क्योंकि जो उनके सबसे बड़े नेता थे वीरभद्र सिंह जी, वो अब नहीं रहे और उनके बगैर चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए इतना आसान होने वाला नहीं है। तो सीधे तौर पे कांग्रेस को सतर्क होना चाहिए, और क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी एंट्री छोटी मोटी वहाँ पर दिखाई देने लगी है कि कुछ ना कुछ वो भी सीटों का गणित बिगाड़ सकती है कांग्रेस के लिए भी और भाजपा के लिए भी। इसमें ज़्यादा नुकसान अगर देखा जाए तो जहाँ तक कांग्रेस का होगा, क्योंकि सत्ता में वर्तमान में भाजपा है। हाँ, तो वही अब हम इस पर हिमाचल पर और विस्तार से बातें करेंगे क्योंकि अब चुनाव आने मतलब वोट पड़ने का टाइम नज़दीक आ गया। 12 नवंबर है और ये समय अभी बहुत जल्दी से बीत रहा है, तो इस पर हम अगले एपिसोड्स में बहुत ज़मीन पर भी जाकर ग्राउंड रिपोर्ट करके और लोगों से, एक्सपर्ट्स से बात करके इस बारे में और जानेंगे कि वहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है, जनता क्या सोच रही है जी। तो इसलिए वैसे तो हम ये कहेंगे राज और रिवाज ये तो अलग बात है, लेकिन अगर राजनीतिक दल हालात बदलने की बात करें और वाकई में कुछ हालात बदलें तो ये तस्वीरें बदल सकती हैं। अब हिमाचल के बाद अभी घोषणा होने जा रही है जल्दी ही गुजरात की, तो गुजरात के बारे में बताइए जरा हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल मुकुल जी, गुजरात कह सकते हैं कि आम चुनाव से पहले गुजरात में चुनाव हो जाएंगे और तय हो जाएगा कि जो महात्मा गांधी का पैतृक राज्य था और मौजूदा प्रधानमंत्री की जन्मस्थली है, उसमें कौन राज करने वाला है। तो ऐसे में ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि पिछले कुछ वर्षों में गुजरात की जनता ने किस पर कितना विश्वास जताया है, इसको हम एक रिपोर्ट से समझ लेते हैं। 90 के दशक के बाद से गुजरात राज्य भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और इसी राज्य में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। लेकिन वादों की हकीकत पहचान चुकी जनता ने पिछले यानी साल 2017 के विधानसभा चुनावों में भाजपाई स्तंभों की नींव को हिला कर रख दिया था और ये चेतावनी दे दी थी कि झूठे वादों, मनगढ़ंत कहानियों और गरीबों का शोषण ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जिसका नतीजा ये रहा था कि प्रदेश की जनता ने भाजपा को 99 सीटों पर ही पटक दिया, जो 3 दशकों में भाजपा का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। जबकि कांग्रेस ने 77 सीटें जीत ली थी। हालांकि मौजूदा तस्वीर चुनावी दौर से अलग है, यानी अभी विधानसभा में भाजपा के 111 और कांग्रेस के 63 सदस्य हैं, जिससे ये पता चलता है कि भाजपा की तोड़ो नीति यहाँ भी जारी रही है। निर्वाचन आयोग के डेटा का सहारा लें तो नई सदी में भाजपा ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन साल 2002 के विधानसभा चुनाव में किया था। उस चुनाव में पार्टी ने 127 सीटें जीती थी। तब से 3 चुनाव हो चुके हैं लेकिन पार्टी इस आंकड़े को छू नहीं पाई है। साल 2002 के विधानसभा चुनाव से लेकर पिछले यानी साल 2017 विधानसभा चुनाव तक राजनीतिक पार्टियों का प्रदर्शन देखें तो साल 2017 में भाजपा ने 99 सीटें जीती थी, कांग्रेस के हाथ 77 सीट लगी थी, एनसीपी ने 1, बीटीपी ने 2 और अन्य के खाते में 3 सीटें गई थी। साल 2012 विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने 115 सीटें जीती थी, कांग्रेस के हाथ 61 सीट लगी थी, एनसीपी ने 2, जेडीयू ने 1, जीपीपी ने 2 और अन्य के खाते में 1 सीट गई थी।
साल 2007 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 117 सीट जीती थी, कांग्रेस ने 59 सीट, एनसीपी ने 3, जेडीयू ने 1 और अन्य को 2 सीट मिली थी। वहीं साल 2002 विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा था और यहां पर भाजपा ने 127 सीट हासिल की थी। कांग्रेस के खाते में 51, जेडीयू ने 2, अन्य के खाते में 2 सीटें आई थी। अभी जिन आंकड़ों से आप रूबरू हुए इन्हें जरा गौर से देखिए, बहुत दिलचस्प हो जाएंगे, क्योंकि जिस गुजरात की जनता ने भाजपा को 2002 में विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाकर अर्श पर बिठाया था, वही जनता अब पार्टी को धीरे धीरे फर्श की ओर लेकर आ रही है। कहने का मतलब ये है कि कभी बुलेट ट्रेन का झूठा सपना, कभी शराबबंदी के नाम पर धांधली, कभी गरीबों और दलितों की जमीनों पर कब्जा और कभी लोगों की जेब पर गलत नीतियों के जरिए सीधा डाका जैसी घटनाओं ने जनता को बहुत हद तक सरकार की असली शक्ल दिखा दी है। न्यूज़ क्लिक की रिपोर्ट। तो ये गुजरात की रिपोर्ट अभी आपने देखी कि किस तरह से जनता ने यहाँ पर कई सालों से बीजेपी को बनाए रखा है जी। तो और अभी जब इलेक्शंस आने वाले हैं गुजरात और हिमाचल दोनों में एक साथ, तो हिमाचल की घोषणा तो हो गई लेकिन गुजरात में इतनी देर क्यों हो रही है, इसके पीछे भी कुछ कारण होगा? हाँ, तो कारण तो पत्रकार ही नहीं, जनता, आम जनता भी समझ रही है कारण कि कारण क्या हो सकते हैं। वैसे तो एक बात ये बहुत हास्यास्पद है और सोचने वाली भी कि वो केंद्र सरकार, वो प्रधानमंत्री जो नारा देते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश एक चुनाव, वो दो राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहे हैं जी। तो इससे तमाम सवाल उठते हैं। तो क्या चुनाव आयोग उन्हें कुछ और मौके देना चाह रही है? भाई अब तक जब हिमाचल की घोषणा हो चुकी, 12 नवंबर चुनाव नज़दीक आ ही गए और जब हम बात कर रहे हैं दिवाली भी खत्म हो गई और गुजरात के चुनाव अनाउंस नहीं हुए जी। तो क्या ऐसे कारण, क्या कुछ जैसे कहा भी जा रहा है कि कुछ प्रधानमंत्री को और लोकार्पण करने हैं, अभी कुछ और घोषणाएं होंगी, तो इसका मौका, क्योंकि आपको मालूम ही है कि चुनाव की घोषणा होती है आचार संहिता लग जाती है जी। आचार संहिता लगने का मतलब ये है कि आप फिर लोक लुभावन कुछ घोषणाएं, कुछ प्रपोजल्स, कुछ लोकार्पण नहीं कर सकते, उस सब पे वो लग जाता है। तो इसका मौका देना ये अपने आप में बड़ा हैरत अंगेज है और ये सोचने का वो है। इससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगते हैं, तमाम लोग इस बारे में उठाते हैं क्या कि एक जो रूलिंग पार्टी है जो प्रदेश में भी है और केंद्र में भी, क्या उसकी सुविधा के हिसाब से चुनाव डिक्लेयर किए जाएंगे? जबकि हमें पता है दिसंबर में इसका आपको मतगणना करनी है। दो राज्य हैं, बहुत बड़े राज्य भी नहीं हैं, हिमाचल में 68 सीट हैं, 68 जी, और गुजरात में 182, 182, ठीक है। तो एक तो ये कारण, इसमें बड़ा ये है कि ये देरी क्यों हो रही है, इसके बारे में ये तो जनता को वैसे जवाब लेना चाहिए उनसे कि क्या हो रही है। और वैसे आप क्या देख रहे हैं कि अब गुजरात का चुनाव बहुत देर तो कर नहीं पाएंगे, एक दो दिन में अनाउंस हो ही जाएगा जी। तो किस तरह की इस समय वहाँ सक्रियता शुरू हो चुकी है, तो वो कैसी आपके पास रिपोर्ट है? सक्रियता तो जैसा कि हमने देखा कि इस बार तो अगर गुजरात के चुनाव देखें तो आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी घोषणाएं हैं, एक अगर आप यूं कहिए कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा की राह पकड़ ली है, जिस राह पर, हिंदुत्व की राह पर भाजपा चल रही थी, अब आम आदमी पार्टी ने भी वही राह लेकर के गुजरात में एंट्री कर दी, गणेश जी और लक्ष्मी जी, बिल्कुल बिल्कुल, और तस्वीर छपवाने की मांग। इस तरह की सक्रियता बहुत हद तक जनता को प्रभावित भी करती है। ये पिछले चुनावों में, उससे पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव, ऐसा देखा गया है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, लेकिन पर ये भी है कि जैसे लोग कहते भी हैं कि गुजरात में या हिमाचल में तो देखिए आम आदमी पार्टी पहले तीसरा प्लेयर बनने जा रही थी, पर वो बिल्कुल खामोश हो गया, गुजरात की तरफ शिफ्ट हो गया। गुजरात में उसने उसी पिच पर खेलना शुरू किया जिस पर भाजपा खेल रही है, लगातार खेल रही है। अब उस पर वो कितनी बढ़त बना पाएंगी, वो उनकी होम पिच है, बिल्कुल, है ना। और उस पर वो गुजरात, जिसे प्रयोगशाला कहा गया RSS और BJP की, वहाँ वो कितना अपने को जगह बना पाएंगे, देखने वाली बात है। पर एक होता है कि प्रचार भी होता है, प्रोपेगेंडा हमने देखा है तमाम 2014 से, तो बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं 2014-19 UP चुनाव, तमाम चुनाव जो प्रचार तंत्र है, तो एक स्थितियां ना होने पर भी वो स्थितियां दिखाई जाती हैं कि वो वहाँ टॉप पर आ गए, तो लड़ाई में ना होने पर भी लड़ाई दिखाई जाती है कि आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा लड़ाई में है और सेकेंड पार्टी शायद वही है या BJP के साथ उसी की टक्कर है। BJP को भी शायद यही मुफीद लगता है कि उसकी टक्कर आम आदमी पार्टी से दिखाई जाए, ना कि कांग्रेस से। ऐसा हालांकि
अभी इतनी जल्दी कांग्रेस को इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया नहीं जा सकता। यही मेरा कहना था कि उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना, वो अंडर प्ले कर रही है, ये बात अलग है। क्योंकि पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं भाजपा को 100 सीटों के अंदर रोक दिया गया। हमें याद करना चाहिए कि जो 2002 के करीब भाजपा का प्रदर्शन रहा था गुजरात में, वैसा प्रदर्शन भाजपा दोबारा नहीं कर पाई है। हालांकि डिक्रीज हुई है, उनकी सीटें घटती गई हैं, और 2017 में जाकर के 100 के अंदर सीटें सिमट गईं। तो यहाँ से ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, भले ही बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े योजनाएं वहाँ पर मतलब प्रधानमंत्री क्योंकि भाजपा के ही हैं तो फिर उनकी तरफ से भले ही दी जा रही हो, लेकिन जनता को चीज़ों को चीज़ें समझ रही है। हमने गुजरात और, हमने कोविड भी देखा, चाहे हिमाचल के लिए हुआ, कोविड ने कैसे उसे तबाह किया टूरिज्म के परिप्रेक्ष्य में। गुजरात में हमने देखा तमाम वहाँ की लोकल अखबारों ने किस तरह से वो खुलासे किए कि उसकी हकीकत क्या है। तो हम आने वाले समय में, आने वाले एपिसोड्स में चुनाव चक्र क्योंकि अब ये जारी हुआ है, है ना, अब हम अगले एपिसोड्स में इन पर और विस्तार से बात करेंगे। और मुझे लगता है कि अगले सप्ताह तक और ज्यादा सक्रियता इस चुनाव को लेकर और सब चीजें साफ हो जाएंगी, घोषणाएं तारीखों की तारीख भी हो जाएंगी घोषित। तो फिलहाल आज चुनाव चक्र में इतना ही, तो आप बताइए कि हमें क्या क्या और करना है। अब आज तो एक छोटी सी जानकारी थी कि कब और घोषणाएं हो सकती हैं और पिछले चुनाव में क्या हुआ गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में। तो जो आने वाले एपिसोड्स होंगे चुनाव चक्र के, उसमें हम एक्सपर्ट से बात करेंगे, कोशिश करेंगे ज़मीन पर जाएं और वहाँ के जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन्हें खोज करके लाएं और आपके बीच में रखें। तो जो दोनों राज्यों की जनता के लिए बेहद ज़रूरी भी होंगे। और तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और न्यूज़ क्लिक को देखते रहिए, हमारी वेबसाइट को पढ़िए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। सलाम, शुक्रिया।